क्या होगा अगर ब्लैक एडम और सुपरमैन में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो जब से ब्लैक एडम का ट्रेलर आया तब से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर डीसी का ये ब्लैक एडम कितना पावरफुल है और क्या ये सच में सुपरमैन को फाइट में हरा सकता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर सिनेरियो में सुपरमैन और ब्लैक एडम के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो बात करें सुपरमैन की तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट से बिलोंग करता है। लेकिन जब कुछ वजहों की वजह से क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे धरती पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, हीट विजन और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ रही है। सुपरमैन साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिसे कि हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन भी सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करने पर वो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता है। सुपरमैन सन के कोर की गर्मी को भी सर्वाइव कर सकता है और वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सुपरमैन की पावर्स को अच्छे से जानने के बाद अब बात कर लेते हैं ब्लैक एडम की और जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक एडम कितना पावरफुल है। तो बात करें ब्लैक एडम की तो ब्लैक एडम का असली नाम टैथ एडम है, जो कि हजारों सालों पहले एक गुलाम था जिसकी पूरी फैमिली को कुछ लोगों ने मार डाला था, जिसके बाद उसे आगे चलकर रॉक ऑफ इटर्निटी के विजर्ड शज़ाम से उसकी पावर्स मिली और उसके बाद वो बना ब्लैक एडम। ब्लैक एडम एक एंटी हीरो है जो कि अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसे सही या गलत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो ब्लैक एडम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और लाइटनिंग जैसी पावर्स है। ब्लैक एडम बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल है और कोई भी अटैक चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो ब्लैक एडम पर उसका कोई भी असर नहीं होता। यहाँ तक कि बड़े से बड़े बॉम्ब और एनर्जी अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और डीसी कॉमिक्स में तो इवन उसकी बॉडी को इंडिस्ट्रक्टिबल बताया गया है। इसके अलावा डॉक्टर फेट जो कि डीसी का डॉक्टर स्ट्रेंज है, ब्लैक एडम उसके मोस्ट पावरफुल लाइटनिंग अटैक को भी सर्वाइव कर चुका है, जो कि हमें शायद मूवी में भी देखने को मिलेगा। तो ये थी ब्लैक एडम की पावर्स और ब्लैक एडम और सुपरमैन की पावर्स को अच्छे से जानने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पे कौन जीतेगा। तो ब्लैक एडम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है पर दूसरी तरफ सुपरमैन है जो कि डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। तो डीसी कॉमिक्स में ब्लैक एडम और सुपरमैन की कई बार फाइट हो चुकी है, जिसमें हर बार ब्लैक एडम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हर एक अटैक सुपरमैन को किल करने के लिए कर रहा था, जिसमें वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करता है और दूसरी तरफ सुपरमैन ब्लैक एडम को हर बार सिर्फ रोकने की कोशिश करता है, इसलिए वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता और ना ही फुल पावर्स के साथ कोई भी अटैक उसको जान से मारने के लिए करता है। और इन सब चीजों के बाद भी लगभग हर बार सुपरमैन ब्लैक एडम को रोकने में सक्सेसफुल रहा है। लेकिन अगर आपको इसका और भी क्लियर आंसर चाहिए तो डीसी कॉमिक्स में हमें वो भी मिलता है, जहां पर एक अल्टरनेट टाइमलाइन के यूनिवर्स में सिंडिकेट ऑफ अमेरिका के नाम से एक टीम एग्जिस्ट करती है जो कि जस्टिस लीग के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये जस्टिस लीग का एक अलग वर्जन है जिसके मेंबर्स जस्टिस लीग के मेंबर्स के इविल वर्जन्स हैं और इसी क्राइम सिंडिकेट में सुपरमैन का भी एक अल्टरनेट वर्जन है जिसका नाम है अल्ट्रामैन, जो कि सुपरमैन का एक इविल वर्जन है। डीसी कॉमिक्स की अल्टरनेट टाइमलाइन में जो सुपरमैन के इविल वर्जन अल्ट्रामैन और ब्लैक एडम के बीच में फाइट होती है तो अल्ट्रामैन ब्लैक एडम को बहुत बुरे तरीके से मारता है और अपने एक ही हाथ से ब्लैक एडम के मुंह को पकड़कर उसके सारे दांत तोड़ देता है, जहां पर ब्लैक एडम अल्ट्रामैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन जब इसी अल्ट्रामैन की फाइट सुपरमैन से होती है तो सुपरमैन इस फाइट को बहुत ही इजीली जीत जाता है। इन सिनेरियो से ये चीज क्लियर हो जाती है कि अल्ट्रामैन ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल है और सुपरमैन अल्ट्रामैन से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अल्टीमेटली ब्लैक एडम सुपरमैन से कम पावरफुल है और फाइट होने पर सुपरमैन फाइट को इजीली जीत लेगा। फाइट में चाहे जो भी हो पर इन दी एंड विनर सुपरमैन ही होगा। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या ब्लैक एडम सुपरमैन को हरा सकता है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।